हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर की जिसने आज के दिन 800% के रिटर्न 800% के रिटर्न आज के दिन ही दिए। स्टॉक इसका स्प्लिट हुआ है, ओके, और किस तरीके से। अभी तक आपने सुना होगा कि स्प्लिट किस तरीके से हुआ कि 10 रुपये की फेस वैल्यू 5 में हो गई, 2 में हो गई, 1 में हो गई, या 100 की फेस वैल्यू 10 में हो गई, ओके। बट इसमें एक अनोखा केस है, इसमें जो आपकी फेस वैल्यू है, ओके, 10 रुपये की फेस वैल्यू कितने 600 मतलब 100 में कन्वर्ट हो गई है। तो उस चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या माजरा है एक्चुअली। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, पर बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी मैंने अडानी कैश और अडानी पोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई है, एज वेल एज रिजल्ट से रिलेटेड। यहाँ पर 4 स्टॉक से रिलेटेड बातें करिए जो आपको अच्छा गेन दे सकते हैं, और यहाँ पर और भी रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ DCM श्रीराम, मोरपन लैब एज वेल एज सुवन लाइफ साइंस से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी रिजल्ट से रिलेटेड। एज वेल एज आपको पता ही है कोरोना केस चल रहा है, तो लोगों की हेल्प जितनी हो सके आसपास के तो आप करिए। एज वेल एज यहाँ पर आपका डीमैट अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने है ये शेयर लक्ष्मी ऑटोमेटिक लूम वर्क्स और ओके, ये कंपनी का नाम है। तो आप इस शेयर में देखिए आज के दिन में लगभग 540 रुपये का यहाँ पर जंप, लगभग 860.22% की यहाँ पर जंप देखी गई है। क्या रीज़न है, क्या बला है, ओके, कंपनी करती क्या है, उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 डेज, ओके, 5 डेज से मैं ये चार्ट पैटर्न देख लीजिए, अपर सर्किट लोअर सर्किट में ये चलता है, इससे रिलेटेड मैं और बातें करूँगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कितने 60 रुपये पे ये कंपनी चल रही थी, एक साथ ही क्या हुआ कि ये अभी कितने रुपये पे चल रही है। यहाँ देखिए 3rd of May को 60 रुपये पे, अभी 603 रुपये पे, कितने 3rd of May का मतलब आज कल 4 तारीख को, आज के दिन ये इस प्राइस पे चलती हुई नज़र आ रही है ये कंपनी। तो क्या रीज़न है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आपको काफ़ी सुहावना लगेगा, बट इस सुहावनेपन पे आप बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लोभ लालच या फिर कह सकते हैं कि फंसना लिखा रह सकता है, और इसमें ऑपरेटर बड़े हावी है। बस एक वीडियो थी, कुछ सिखाना था, तो इसके रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बताते हुए दिखाई दे रहा हूँ। तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी पहले देख लेते हैं, कंपनी लक्ष्मी मिल्स ग्रुप ये वर्क करती है किसमें, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं ये कंपनी के हम फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इनका जो ओल्ड फेस वैल्यू था, यहाँ पर देखिए 4 तारीख आज के दिन ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये का था, जो कि न्यू फेस वैल्यू 100 रुपीज़ में चेंज होता। अभी तक आपने क्या देखा था कि 100 रुपये का फेस वैल्यू 10 में या 10 रुपये का फेस वैल्यू 5 में या 1 में चेंज होता हुआ देखा था, बट अभी आपने नया आपने टर्म सीखा है 10 रुपये का फेस वैल्यू, ओके, ये चेंज होता हुआ दिखाई दिया है एक मतलब 100 के फेस वैल्यू में, ओके, कह सकते हो कि एक तरीके की नई लिस्टिंग इस कंपनी की हुई है और 100 का ये फेस वैल्यू। और बताना चाहता हूँ ये जो शेयर है, ओके, देखिए लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट इसी में चलता आ रहा है, तो बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना था, इस वजह से मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते कुछ फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी यहाँ देख लीजिए वर्क इन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है। फॉर सी टाइप ऑटोमेटिक मशीन सर्कुलर नाइटिंग मशीन, ओके, जो कि हमें क्या कहते हैं टेक्सटाइल कपड़े वपड़े बुनने में काम आती है। तो इस और बात करें मार्केट कैपिटल, माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, 40 करोड़ रुपए, बिल्कुल भी पैसा मत लगा देना वरना फंसते हुए नजर आओगे। 33% का डेट है, कोई प्लेज नहीं है, 22% की यहाँ पर ROC अच्छी खासी है, 32% की बुक इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे चल रहा है, बट स्टिल आपको पैसा नहीं लगाना, लोअर सर्किट अपर सर्किट में चल रहा है वरना आप फंस जाओगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, मार्च 2018 में 1.93 रुपये का यहाँ पर सेल्स थी, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते अच्छी खासी 2019 सितंबर तक अच्छा खासा भागा, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ गिरावट देखी गई है, और अब देखें तो 2.53 रुपये पे यहाँ पर सेल्स है। नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लगभग 77 लाख रुपये का यहाँ नेट प्रॉफिट है इस बार का। और अगर बात करें कंपनी सेल्स की बात करें, 11 करोड़ रुपये का सेल्स, ओके, आज की डेट में 9 करोड़ रुपये के सेल्स में, तो मतलब कंपनी का कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, यहाँ पर गिरती हुई नज़र आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। नेगेटिव में था बट पॉजिटिव में हो गया, बट स्टिल यहाँ पर देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न भी आपको देखा दिया है, बाकी गिरता हुआ यहाँ पर रेवेन्यू है, गिरता हुआ यहाँ सेल्स है। रिजर्व्स की बात करें, 7 करोड़ के आसपास की रिजर्व्स है, बोरोइंग देखिए 4 करोड़ की बोरोइंग्स है, ओके। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी का इन्वेस्ट नहीं है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 7-8 लाख करोड़ रुपये का कैश है,
0.07 का ट्रेड रिसीवेबल भी है, और अगर बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा अच्छा लगेगा, बट फंसना मत, अगेन बोल रहा हूँ। यहाँ पर प्रोमोटर्स ने यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी मार्च 2019 में, अभी सेम है 32.71। DIS की होल्डिंग देखो तो 20% की होल्डिंग है DIS की। इसमें आपको सारे बड़े बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं, देखिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, मतलब आपको सारे बड़े बड़े नाम ओके अच्छी अच्छी होल्डिंग के साथ इसमें दिखाई दे रहे हैं, बट आपको स्टिल फिर बता रहा हूँ फंसने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लेना ये शेयर। पब्लिक की बात करें तो 50% की होल्डिंग थी, उसके बाद अभी 46% की है, बट अगर आप देखेंगे तो इसमें वोल्टास लिमिटेड ने भी इसमें हिस्सेदारी ले रखी है, जो कि टाटा ग्रुप है। आइटमा स्विट्जरलैंड ने भी इसमें हिस्सेदारी ले रखी है, लक्ष्मी मशीन जो इनकी खुद का ग्रुप है उन्होंने, और यहाँ पर टैरट यहाँ पर जो है इन्होंने भी हिस्सेदारी ले रखी है। तो पब्लिक के पास ऑब्वियसली बात है कम है, बट स्टिल आप लोगों को फंसना नहीं है। यहाँ पर जो न्यूज़ थी, एक टर्म होता है कि हमने ऊपर से नीचे घटता हुआ देखा है, बट नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ फेस वैल्यू अभी पहली बार देख रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ पर प्राइस हाइक हुआ है ओके। इसी की वजह से यहाँ पर 860% के जो रिटर्न है वो रिटर्न नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, जिसकी 10 की फेस वैल्यू 100 में चेंज हुई है, दैट्स इट। और यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी जो मुझे आपको बताना था, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई हेल्प लेना चाहते हो आप वहाँ पर से हेल्प लीजिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे और आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।